Hello friends, welcome to my channel. Please subscribe करें और bell button को hit करें for latest updates. आज हम ये tricolor की bow बनाएंगे. ये bow बहुत ही beautiful है और बहुत ही easy है इसको बनाना. ये मैंने Republic Day के craft के लिए बनाई है. यहाँ पे इसको बनाने के लिए हमको कुछ पेपर की स्ट्रिप्स चाहिए, ट्राइकलर, सीजर चाहिए और ग्लू गन चाहिए. तो यहाँ पे जो ये पेपर की स्ट्रिप्स हैं, ये इनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है अप्रॉक्स और विड्थ 2.5 सेंटीमीटर है. तो दो मैंने सैफरन ली है, दो ग्रीन ली है और वाइट मैंने 4 स्ट्रिप्स ली हैं. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि एक सैफरन, एक ग्रीन और 2 जो मेरी वाइट है उनकी मुझे लेंथ थोड़ी कम करनी है. तो एक एक तो मैंने रख ली और जो एक एक है इनको मैंने थोड़ा सा ऊपर से अप्रॉक्स 3-4 सेंटीमीटर कट कर देना है. तो जो मेरी हाफ पेपर की स्ट्रिप्स हैं उनको मैं 3-4 सेंटीमीटर कट कर दूंगी. और अब मुझे इस तरीके से इसको फोल्ड करना है. पहले मैंने इसको हाफ किया, फिर मैंने इस तरीके से ग्लू लगानी है और हाफ में उसको स्टिक करना है. तो यहाँ पर आप नॉर्मल ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं. मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ. नॉर्मल ग्लू से भी ये आपका बन जाएगा. तो पहले मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया और फिर बीच में जो हाफ मैंने मार्क किया है यहाँ पे मैं इसको स्टिक कर दूँगी. तो इस तरीके से मेरी ये शेप बन जाती है. और सेम ही प्रोसेस अब जो मेरा छोटा वाला जो मैंने 3-4 सेंटीमीटर कम किया था उसको मुझे इसी तरीके से फोल्ड करके स्टिक करना है. तो ये थोड़ा स्मॉल साइज़ की सेम शेप बन जाएगी. हमको यही प्रोसेस रिपीट करना है ग्रीन और वाइट के लिए भी. पहले हाफ फोल्ड करना है, उसको स्टिक करना है और फिर हाफ वाले मार्क पे हमको उसको स्टिक कर देना है. यही प्रोसेस हमको अपनी ग्रीन जो बिग है और स्मॉल है दोनों के लिए करना है और जो हमारी ग्रीन वाइट स्ट्रिप्स हैं उनके लिए भी करना है. तो देखिए यहाँ पर मेरी 4 बिग वाली स्ट्रिप्स हैं और 4 स्मॉल वाली स्ट्रिप्स हैं. तो पहले मैंने बिग वाली अपनी जो स्ट्रिप्स हैं ये ले ली है. इसको मैं इस तरीके से देखिए आपस में ग्लू करूँगी. पहले मैंने सैफरन लिया, फिर मैंने अपना वाइट लिया, फिर मैं अभी ग्रीन लगाऊंगी और फिर अगेन मैं वाइट वाली स्ट्रिप लगाऊंगी. 45 डिग्री के एंगल पर हम लेके डायगनली इसको लगा रहे हैं. तो ये मेरी शेप बन गई. अब ये मेरी स्मॉल वाली जो स्ट्रिप्स हैं इनको अब मैं पेस्ट करूँगी सेम ही तरीके से. थोड़ा सा मैं सेंटर में ग्लू लगाया और फिर पहले अपनी सैफरन वाली लगाई, फिर वाइट वाली लगाऊंगी, फिर मुझे ग्रीन वाली अपनी पेस्ट करनी है. और फिर अगेन वाइट वाली मैं पेस्ट करूंगी. देखिए ये मेरी ब्यूटीफुल बो बन जाती है. यहाँ पे मैंने थोड़ी सी छोटी सी ये 4 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स ब्लू स्ट्रिप ली है. इसको मैं आपस में जॉइन करके एक सर्कल सी शेप बनाऊंगी. देखिए इस तरीके से मेरी सी सर्कल की शेप बन गई है और इसको मैं अब अपने बो के सेंटर में लगाऊंगी. थोड़ा सा मैंने ग्लू लगाया अपनी इस पे सर्कल शेप पे ब्लू कलर की जो मैंने बनाई है और इसको सेंटर में मैंने पेस्ट कर दिया. देखिए मेरा ट्राई कलर वो बिल्कुल रेडी हो गई है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत इजी बनती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.